अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जुनैर और आप देख रहे हैं सैटेलाइट डिश टिप्स माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाया हूं। 2 फीट पर मैंने एयरटेल 108 डिग्री ईस्ट सेट की है। दोस्तों, इस पर आपको PSL का मैच सोनी सिक्स दिखा रहा है। कैसे देखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और सेटिंग चेक कराने से पहले, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये पाकिस्तान में बहुत ही आसानी से 2 फीट पर ट्रैक हो जाती है ये सेटेलाइट। अगर आप पहली मरतबा डिश की सेटिंग कर रहे हैं तो आप LNB की पोजिशन देख लें और डिश की साइड की पोजिशन भी आप देख लें, ऐसे रहेगी, बहुत ही आसान है। अगर आपने DD फ्री डिश सेट की है तो आपने डिश को हल्का सा इस तरफ करना है और डिश को डाउन करना है तकरीबन आधा इंच, तो आपके पास एयरटेल के सिग्नल ओके रिसीव हो जाएंगे। कौन सी TP लगाकर आपने डिश की सेटिंग करनी है, जिसको लगाकर आपके पास चैनल लिस्ट ज़्यादा आएगी, वो भी मैं आपको चल के LCD की तरफ बताता हूँ। तो अब LCD की तरफ चलते हैं। दोस्तों, LCD की तरफ हम आ चुके हैं। ये जो आपको TP नज़र आ रही है, इसको लगाकर अगर आप डिश की सेटिंग करते हैं, आपके पास जितने भी सिग्नल क्वालिटीज की बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाएं। अगर इसकी सिग्नल क्वालिटी आप बढ़ाते हैं तो आपके पास चैनल लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इस पर मैंने हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिस पर एयरटेल के कुछ चैनल आपको फ्री में मिलते हैं। वो कैसे चलाना है, सबसे पहले तो कर लेते हैं स्कैन इसको। यहाँ पर मैं हमेशा ब्लाइंड स्क्रीन सेलेक्ट करता हूँ, आपने भी ब्लाइंड स्क्रीन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आपके बॉक्स पर FTA का ऑप्शन येस पर है तो आप नो कर दें, क्योंकि आपको स्क्रैम्बल चैनल कोई भी रिसीव नहीं होगा। यहाँ पर मैं बस सर्च पे ओके कर देता हूँ, आपने भी ओके कर देना है सर्च पे। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। इस पर आपको 1 साल के लिए फ्री पैकेज मिल रहा है। ये देखें, चैनल लिस्ट शुरू हो चुकी है। बहुत से चैनल इस पर ऐड हैं, SD में भी और HD में। वो चैनल आप यहाँ पर फ्री में देख सकते हैं। मेन चैनल जो है वो तो सोनी सिक्स है, जो आपको PSL दिखाएगा, वो मैं आपको चेक कराता हूँ कैसे आपने सोनी सिक्स देखना है। स्कैन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर पर आपको क्वालिटी बहुत ही कम नजर आएगी। अगर किसी बॉक्स में क्वालिटी अगर 90% या 100% भी शो हो रही है तो इस सॉफ्टवेयर पर आपको कम नजर आएगी। तो घबराना नहीं है कि सिग्नल कम है, सिग्नल ओके होते हैं आपके पास चैनल स्क्रैच नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी कम शो होती है। बस मैंने जो TP आपको दिखाई है सबसे पहले, अगर उस TP की सेटिंग करते हैं तो आपके पास ओके आ जाएंगे सारे चैनल। बहुत तेजी से चैनल लिस्ट बढ़ रही है, देखते हैं कितने चैनल आते हैं। दोस्तों, मुकम्मल स्कैन आपके सामने ताकि चैनल लिस्ट आप देख लें।
मैं वीडियो को स्किप नहीं करता क्योंकि स्कैन कंप्लीट होने के करीब है, 80% से ऊपर हो चुकी है। 423 टीवी चैनल, साढ़े 500 के करीब ऊपर हो रहे हैं चैनल। ये देखे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इसके चैनल, 2 फीट पर और क्या चाहिए आपको। ये देखे इतने चैनल 600 से ऊपर हो गए। तो दोस्तों देख लें, आपके सामने स्कैन हुई है, 652 टीवी चैनल हमें रिसीव हुए हैं, तो 2 फीट की डिश पर। तो अगर ये टीपी लगा कर आप सेटिंग करते हैं डिश की, तो आपके पास भी इतने चैनल रिसीव हो जाएंगे। तो अब मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले आपने अपने बॉक्स में ये हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने नेटवर्क सेटिंग में जाकर अपने रिसीवर बॉक्स को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। आपके पास ऐसे कनेक्ट नहीं होगा, आपके पास यूएसबी वाईफाई एंटीना या टेंडा कह लें, जो भी आप समझे, बस इसको आपने वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, इंटरनेट का कनेक्शन देना है। उसके बाद आपने चले जाना है एसकेम प्लस में। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले से एक्टिवेट किया था, तो आप को ये एक्सपायरी डेट इसको नजर आ रही होगी आपको। तो अब चैनल देख लेते हैं। ये देखे मैंने वही चैनल लगाया हुआ है, ये आपके सामने प्ले है। यहाँ पर आपको पीएसएल का मैच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।